सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रोटीज चैनल को और पाइए स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। अभी हम डाउ 30, S&P 500 और नैस्डैक में एक साइडवे ट्रेंड को देख पा रहे हैं और हमें निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में यहाँ पे 30 पॉइंट्स का एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल जाता है। इसे देखते हुए कल भी हमें फिर से मार्केट में एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल सकता है और निफ्टी हमें 11,900 से लेके 12,000 के बीच में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इंडियन ETFs की ओर करते हैं तो यहाँ पे हमें इंफोसिस और वेदांता को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स में एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल जाता है, जिसे देखते हुए कल आप इन सब स्टॉक्स में अब ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे चार स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कल आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है, इसमें इंटरडे के दौरान आज हमें काफी बड़ा गिरावट देखने को मिल जाता है। इसने अपने 50 डेज और 200 डेज के EMA लाइन के नीचे आज अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके MACD इंडिकेटर और VWAP इंडिकेटर में भी एक काफी बड़ा सेल ऑफ को देख पा रहे हैं और इसके वोर्टेक्स इंडिकेटर में आज हमें एक बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल भी हमें ये स्टॉक में ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक का नाम TCS है और अभी भी हम इस स्टॉक में लगभग 3% का एक डाउन ट्रेंड को आज कंटिन्यू रहता हुआ देख पा रहे हैं। इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में हमें बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में ऑलमोस्ट 5 times कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आप कल इस स्टॉक को इस वजह से सेल साइड के लिए अपने वाइट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है, यहां भी आज हमें इंट्राडे में काफी बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाता है। पिछले काफी दिनों से ये अपने 50 डेज के EMA लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कल भी हमें कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स वोर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में आज हम फिर से एक बियरिश क्रॉसओवर को देख पा रहे हैं, जिस वजह से कल आप इस स्टॉक को सेल साइड के लिए अपने वाइट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इस स्टॉक का नाम लार्सन एंड टोब्रो है और अभी भी हम इसके सेलर साइड में 1900 से भी ज्यादा स्टॉक्स को देख पा रहे हैं। इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में हमें यहाँ पे सेलर साइड में बायर साइड के मुकाबले ऑलमोस्ट 4 times कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आप कल इस स्टॉक को इस वजह से सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है, यहां भी आज हमें इंट्राडे में काफी बड़ा गिरावट देखने को मिल जाता है। इसने अपने 50 डेज के EMA लाइन में आज काफी बड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है और हम इसके दूसरे EMA लेवल्स में भी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्रॉसओवर को देख पा रहे हैं, जिस वजह से आगे भी हम इस स्टॉक में ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। यहां पे हम MACD इंडिकेटर और वोर्टेक्स इंडिकेटर में आज एक बड़ा सा सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू रहता हुआ देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां हमें एक बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल जाता है। स्टॉक का नाम अपोलो हॉस्पिटल्स है। आज इसमें 3.7% के आसपास एक डाउनसाइड देखे जाने के बाद हमें इस स्टॉक ने इंटरडे लेवल्स के निचले स्तर पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके जो स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बायर साइड के मुकाबले ऑलमोस्ट ट्वाइस कॉन्ट्रैक्ट सेलर साइड में देखने को मिल जाता है। तो कल आप इस स्टॉक को भी सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ और आखिरी स्टॉक है, यहाँ फिर से हमें काफी बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने भी अपने 50 डेज के EMA लाइन के काफी नीचे अपना आज क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके दूसरे इंडिकेटर्स जैसे कि VWAP लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को देख सकते हैं और इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी हमें आज एक सेल ऑफ देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल भी हमें स्टॉक में ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका नाम टाटा पावर है और अभी भी हमें इस स्टॉक में लगभग 1.6% का एक डाउन साइड देखने को मिल जाता है। अगर हम इसका जो स्टॉक फ्यूचर लेवल है उसे चेकआउट करते हैं तो यहाँ हमें बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में ऑलमोस्ट 3.5 times कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आप कल स्टॉक को
सेल साइड के लिए अपने मार्केट में शामिल कर सकते हैं। आज मार्केट में जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो हम यस बैंक की ओर से जारी होता हुआ देख सकते हैं। यस बैंक अपना जो स्टेक बेचने वाला था उसे ये कैंसिल कर सकता है। कैनेडियन इन्वेस्टर जिनका नाम एरविन सिंह है वो यस बैंक में लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे जो अभी यस बैंक रिजेक्ट कर सकता है। इसे देखते हुए हमें अगले कुछ दिनों में यस बैंक के स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आपको इसे देखते हुए इसमें कोई भी फ्रेश पोजिशन बनाने से अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो हम देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। ये अपने प्रोडक्ट लाइन का जो प्राइसिंग है वो जनवरी से इंक्रीज करने वाला है, जिस वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में हमें थोड़ी सी सुधार अगले कुछ ही महीनों में देखने को मिल सकती है। तो आपको अगले क्वार्टर से इसके प्रॉफिट में थोड़ी सी इजाफा होता हुआ दिखाई दे सकता है जो कि हमें इसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो हम देख सकते हैं वो है SBI के लेंडिंग रेट में कटौती के बारे में। आज से SBI ने अपने होम लोन में जो लेंडिंग रेट है उसमें एक कटौती का ऐलान किया हुआ है। ये इस साल का MCLR में 8th कंसेक्यूटिव कट है, जिसके बाद हमें 10th ऑफ दिसंबर से इसके होम लोन में एक गिरावट जो लेंडिंग रेट है उसमें एक कटौती देखने को मिल सकती है। इसमें लगभग 10 BPS का एक डिस्काउंट दिया गया है। अगर हम इसे डिटेल में चेकआउट करें तो MCLR वो लेंडिंग रेट है जिसके नीचे बैंक्स लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती। पहले ये 8% था, अभी ये 7.9% तक आ चुका है। इस वजह से हमें इसके होम लोन्स में एक अच्छा इंटरेस्ट रेट अगले कुछ ही दिनों से देखने को मिल सकता है।
ग्लोबल इंडेक्सेस में एक साइडवे ट्रेंड को देखने के बाद अगर हम निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हमें थर्ड कंसेक्यूटिव डे के लिए एक बियरिश कैंडल देखने को मिल जाता है। इसने आज अपने 21 डेज के EMLN जिसे हम 11,953 के लेवल पे देख सकते हैं उसके जस्ट नीचे 11,936 के लेवल पे आज अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके RSI लेवल में आज एक साइडवे ट्रेंड को देख पा रहे हैं जो कल भी हमें कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम इसके ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हम इसके पुट साइड में 11,900 के स्ट्राइक पे 5.42 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को नया ऐड होता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे हमें सबसे ज्यादा 19,91,175 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ हम देख पा रहे हैं। इस वजह से कल के लिए हम इस लेवल को एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अगर यह लेवल टूटता है तो हमें निफ्टी 11,800 की ओर रुख करता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि इस लेवल पे हमें 2.89 लाख से भी ज्यादा पुट कॉन्ट्रैक्ट्स नया ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे 13,95,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ हम देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो हमें 12,000 के स्ट्राइक पे 1.37 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस लेवल पे हम 25,71,675 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। इस वजह से कल भी 12,000 का लेवल हमारे लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकता है। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट की ओर करते हैं तो यहाँ पे आज हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिल जाता है। इसने अपने 21 डेज के EMLN के जस्ट ऊपर आज 31,332 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हमें इसके RSI लेवल में एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल जाता है जो कल भी हमें कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। कल इसके लिए इसका 21 डेज का EMLN काफी क्रूशियल हो सकता है। अगर ये इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब नहीं होता तो हमें इसमें और बड़ी गिरावट अगले कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हम इसके पुट साइड में 31,000 के स्ट्राइक पे 2.46 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे हमें 6.59 लाख से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ देखा जा सकता है। इस वजह से कल हम 31,000 के स्ट्राइक को ही एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे 31,500 के स्ट्राइक पे हमें 1.03 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे 4.37 लाख से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट को बिल्डअप होता हुआ देख पा रहे हैं। इसे देखते हुए कल हम इसी लेवल को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं लेकिन कल मार्केट में ज्यादातर हमें एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इस वजह से हमें कल बैंक निफ्टी 31,000 के लेवल से लेके 31,500 के बीच में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको कल किसी भी डायरेक्शन में अपना ट्रेड लेने से पहले ज्यादातर अपने कॉल को कंफर्म करना होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कॉलिग्स। कमेंट बिलो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल हैप्पी इन्वेस्टिंग।